हमारा एक चैलेंज चल रहा है वो ये कि हम में जितनी भी तरह के फियर्स हैं वो सब फियर्स हम रिलीज़ करें, है ना। बहुत सारे फियर्स हमारे शरीर के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें डिफेंस करते हैं, वो हमें बचाते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में हम फंस ना जाएं। इसीलिए ये फियर हमें दिया जाता है ताकि हम खुद को सेव कर सकें, खुद को बचा सकें, है ना। वहीं पे एक फियर है, फियर ऑफ डेथ। 100% लोगों को ये फियर होता है, ठीक है। बच्चों को इसकी समझ नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एज के बाद में, 35 के बाद में, जब आप घर में कई अपनों को जाते हुए देखते हैं तो ये फियर आप में भी एक एक छोटे से बीज के रूप में पैदा हो जाता है। और हम धीरे धीरे उस फियर के बारे में जैसे जैसे सोचते जाते हैं वो बीज ऐसे ऐसे पौधे का रूप लेने लगता है, है ना। तो यहाँ पे ये जो फियर है, आज की क्लास जो है वो इस फियर को कैसे रिलीज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है, वो हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये जो फियर है हमारी डेथ का, जो फियर है, क्या उसको कम कर सकते हैं या उसको पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़ी सी देर, या आधा घंटा बाद में आना, या दो चार दिन बाद में आना, हाँ, या तो 5-6 साल, थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़, ऐसा हो सकता है? कोई है जो मेरे साथ एग्री करे कि हाँ मैम, अगर अपन ये करेंगे ना तो शायद ऐसा हो जाए, या उस मंदिर में जाएंगे तो ऐसा हो जाए, या ये पूजा करेंगे तो वैसा हो जाए, ये मंत्र का जाप करेंगे तो शायद ये पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है? बीच में कोई मैसेज आ गया था, आ रही है? ओके, थैंक यू। तो जब हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम इसको आगे नहीं सरका सकते, इट मीन्स कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो वो ये कि जो ऑटो डेथ होती है, मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद बुढ़ापे तक का जो सफ़र है, बुज़ुर्ग होने पे जो ऑटो डेथ है, है ना, जो होनी ही है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन बीच में कई और चीज़ें हैं, लाइक अगर आप व्हीकल केयरफुली नहीं चला रहे तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम रोज खुद को समय नहीं दे पा रहे तो हो सकता है हमारी उम्र कम हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, व्हीकल हम सेफली धीरे चला सकते हैं, फूड हम अच्छा ले सकते हैं, तो ये सब जो हमारे कंट्रोल में है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसलिए उस बारे में मैं आज में कोई बात नहीं करने वाली। बात जो मैं करने वाली हूँ वो ये कि हम एक सीन लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक सीन लेते हैं, वो ये कि सपोज़ ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है और ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला है, जैसे मूवीज़ में होता है ना कि डायरेक्टर हीरो को बताता है, देखो तुम उस मूवी के हीरो हो, तुम उस मूवी के विलन हो, तुम एक्ट्रेस हो, तुम्हें ये सब्जी वाला बनना है, तुम्हें ये बनना है, वैसे ही ये एक घर है, ये मैं हूँ और मुझे ये बोला गया है कि तुम्हें कुछ साल इस घर में जाके रहना है, मुझे कुछ साल इस घर में जाके रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। घर और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने यही घर क्यों चूज़ करा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस घर में जो मुझे सीखनी है। सपोज़ मेरे डायरेक्टर मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई नीलम, तुम्हें क्या सीखना है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, चलो ठीक है, इस घर में जाओगी तो तुम वो चीज़ सीखोगी। कैसे सीखोगी? हो सकता है कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम आए, इतनी बड़ी घटना घटे कि मैं भगवान के आगे, भगवान प्लीज़ प्लीज़ भगवान मेरी सुनो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वो प्रॉब्लम से मैं निकल जाऊँ, वो दिन ऐसा दिन होगा जब मैं भगवान में विश्वास करने लगूँगी। तो मेरा जो लेसन था कि मुझे गॉड में बिलीव नहीं है और मैं इस घर में जब जाऊं तो वो लेसन सीख जाऊं। सेकंड मुझसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ जी नीलम, तुम्हें सेकंड क्या सीखना है? गॉड, पैसे कैसे कमाते हैं? मुझे पैसे कमाना नहीं आता। अच्छा ठीक है, पैसे कमाना नहीं आता, एक गरीब घर में मेरा जन्म हुआ,
ऐसा घर जहाँ पे पैसों की तंगी है, ऐसा घर जहाँ पे मम्मी पापा ये सिखाते हैं कि बेटा उनको देखो, इतना पढ़ाई करोगे तो तुम भी अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तुम भी अच्छी जॉब लगोगे, उनको देखो वो इसीलिए रिच हैं क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे आइडियाज़ अप्लाई करते हैं जिससे कि वो पैसे ज़्यादा कमा पा रहे हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पैसों की कमी नहीं है, तो क्या मैं रिच बनना सीखूँगी? नहीं, जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं क्यों सीखूँगी? एक ऐसा घर जहाँ ऑलरेडी पूजा पाठ होता है, जहाँ भगवान में ऑलरेडी विश्वास करा जाता है, जहाँ पैदा होते से ही बच्चे को सिखाया जाता है भगवान है, बिलीव करो, उस घर में मैं सीखूँगी नहीं भगवान में विश्वास करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं उस एनवायरनमेंट में पैदा हुई हूँ जहाँ विश्वास है, ऑलरेडी विश्वास है, जहाँ ऑलरेडी पैसा है। तो जब ये चीज़ मुझे सीखने के लिए इस घर में पैदा होना है, तो जो लर्निंग मैंने प्लान करी थी इस घर में आने से पहले, वो यहाँ पे आके सीख जाऊँगी। लेकिन मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारे सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए गए, भगवान में विश्वास नहीं है तुम्हें सीखना है, पैसे कमाना तुम्हें सीखना है, ठीक है, तुम्हें रिलेशन मेंटेन करना सीखना है, और तुम्हें फियर है, वो पानी का फियर है या डेथ का फियर है, जो भी है वो फियर से तुम्हें बाहर आना है, तो ठीक है ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी है, लेकिन जो भी तुम्हारी प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग तुम अभी जितना चाहो कर लो, इसमें घर में जाने के बाद में भुला दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा कि तुमने क्या क्या प्लान करा था। ये तुम्हें याद नहीं दिलाया जाएगा कि अरे तुम्हें पैसों की तंगी इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने खुद को रिच होना प्लान करा है, तुम्हें ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने भगवान में विश्वास करना प्लान करा है, ये सब कुछ तुम्हें भुला दिया जाएगा, तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि ये सब चीज़ें तुम्हारी खुद की प्लानिंग है। वहीं अगर ये चीज़ मैं ये बोलूं कि ये पृथ्वी है और ये आप या मैं हैं और हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया और उससे पहले हमने प्लानिंग करी कि इस पृथ्वी पे किस घर में मुझे पैदा होना है, मुझे इस घर से क्या क्या सीखना है, कौन से दोस्त मेरी ज़िंदगी में आने चाहिए, कौन से रिश्ते मेरी ज़िंदगी में आने चाहिए, कौन सा बॉस मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आनी चाहिए, वो सारी अगर मैं प्लान कर रही हूँ तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम ये समझने लगेंगे कि अच्छा, आज जो प्रॉब्लम हुई उससे मैं क्या सीखी, अच्छा चलो ठीक है मनी की शॉर्टेज है लेकिन मैं इससे क्या सीख रही हूँ, हाँ मैं पैसे और कैसे कमाना है वो सीखना चाह रही हूँ और मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ, है ना। अच्छा मेरी और मेरी फ्रेंड की अगर लड़ाई हुई तो मैं इससे क्या सीख रही हूँ कि अगली बार और संभल के कैसे बात करूँ, अगली बार हमारी दोस्ती ना टूटे उसके लिए और कैसे बात करूँ। हर बार आप कुछ नया सीख रहे हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें दो बुक्स हैं, दो किताबें हैं जिसमें एक डॉक्टर एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा लिखा है कि हमारी सोल हमारी आत्मा इस शरीर में आने से पहले प्लानिंग करके आती है कि इस पूरी लाइफ में हमने क्या सीखना है। अब अगर मेरा ये जो रोल है ना, मेरा ये जो रोल है इस घर में जो भी सीखना था ख़त्म हो गया, अब मेरा इस घर से जाने का टाइम, मेरी लर्निंग ख़त्म हो गई, मुझे जाना है, मैं यहाँ से निकली, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत दुखी होंगे कि अरे इन्होंने ये शरीर छोड़ दिया, इन्होंने ये घर छोड़ दिया, लेकिन गॉड जो हैं वो खुश होंगे, बोलेंगे चलो अब तुम्हारी न्यू लर्निंग, दूसरे घर में क्या सीखने जाना है। वैसे ही उसमें ये बताया गया कि एक आत्मा एक बॉडी में आती है, उस लाइफ के सारे लेसन सीखने के बाद में वो दूसरे शरीर में जाने के लिए रेडी हो जाती है और इस शरीर को छोड़ देती है। मैंने एक ऐसी भी बुक पढ़ी है जिसमें ऋषि मुनि ये बताते हैं कि आप जितने भी इंसान हैं वो बच्चे के पैदा होने पे खुश होते हैं, बुज़ुर्ग के जाने पे दुखी होते हैं, हमारे यहाँ उल्टा होता है,
हम बच्चे के पैदा होने पे उसे आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा नया जन्म स्टार्ट हो गया है, तेरी नई परीक्षाएं स्टार्ट हो गई है, तेरे नए लेसन स्टार्ट हो गए, तुझे ये वो न जाने कितना कुछ सीखना है, तुझको बहुत आशीर्वाद। और जैसे ही वो बुज़ुर्ग इस शरीर को छोड़ के जाने लगते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, चलो तुम्हारा ये प्ले, ये नाटक, ये जिंदगी खत्म हुई, एक नया शरीर, हेल्दी शरीर मिलेगा, जिसमें ना जॉइंट पेन होगा, ना बैक पेन होगा, ना नेक पेन होगा। अब ये जो दो किताबें हैं, कोई गेस कर सकता है कौन सी दो बुक्स हैं? क्योंकि क्योंकि ये सेशन मैंने एक बार पहले भी लिया है। कोई गेस करेगा कि ऐसी कौन सी दो बुक्स हैं जो हमें बताएंगी कि सोल से भी परे, आत्मा से भी ऊपर कुछ है जो कि हम प्लान करते हैं? कोई गेस? नो गेस। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वो दोनों बुक्स दिखाने जा रही हूँ। आप लोग चाहें तो उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बुक है, ठीक है। वैसे हमको 150-200 में किताबें मिल जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी महंगी किताबें हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है इनको खरीदें। आप चाहें तो इनकी ऑडियो सुन सकते हैं। PMC है ना, P फॉर पैरट, M फॉर मंकी, C फॉर कैट। PMC हिंदी पे, हिंदी एक चैनल है, उस पे इतनी सारी हाई फाई स्पिरिचुअल बुक्स की स्टडी करी जाती है, आपको वहाँ पे वो एक्सप्लेन करी जाती है, और वहीं से मैंने ये बुक की ऑडियो सुनी है। तो यहाँ पे वो दो बुक्स जो है वो है, यस, फर्स्ट बुक है योर सोल्स प्लान। अच्छे से पढ़िए इसको, बुक पे क्या लिखा है। योर सोल्स प्लान यानी कि आपकी सोल की प्लानिंग, वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि इस पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले हम खुद प्लान करके आते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल चाहिए, क्या क्या चैलेंज चाहिए। नीचे लिखिए, लिख रखा है कि बिफोर यू वर बॉर्न आपने प्लानिंग करी है, आपके पैदा होने से पहले। यानी कि अब अगर आज आपकी किसी से लड़ाई होती है, अगर आपका किसी से झगड़ा होता है, तो उसको ब्लेम मत कीजिए, उसको मत कहिए कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी वजह से लड़ाई हुई है। जी नहीं, आपकी प्लानिंग थी ये लड़ाई। आप अपनी लाइफ में इस लड़ाई को, इस झगड़े को लिखवा के लाए हो ताकि आप इससे कुछ ना कुछ सीख सको। आप ये भी सीख सकते हैं कि आप चुप रहें, शांत रहें, कोई जवाब ना दें, पीस और कामनेस को बढ़ाएं। आप ये भी सीख सकते हैं कि और कठोर शब्दों से कैसे जवाब दें। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या सीखना है। योर सोल्स प्लान, इस पूरी बुक में ये बताया गया है कि आप अपनी प्लानिंग यहाँ पे आने से पहले कैसे करते हैं। नाउ सेकंड जो बुक है वो है योर सोल्स गिफ्ट, यानी कि हमारी आत्मा को ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता है, ऐसे ही शरीर में नहीं डाल दिया जाता है, इसको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। गिफ्ट मतलब कि इसको फ्री विल दी जाती है, इसको चॉइस दी जाती है। हर एक मोड़ पे दो रास्ते दिखाए जाते हैं, आपको लेफ्ट चूज करना है, राइट चूज करना है, आपकी मर्जी। आपको पॉजिटिव रास्ता चूज करना है, नेगेटिव चूज करना है, आपकी मर्जी। हमेशा हमारी सोल एक फ्री विल लिखवा के आती है। आप खुद सोचिए, जब आप सोचते हैं कि मैं किसी और के विचारों को बदल दूं, वो ऐसा सोचने लगे, ये वैसा सोचने लगे, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, सब के सब मेरे जैसा सोचने लगे, तो ऐसा तो भगवान भी नहीं करते। भगवान भी नहीं चाहते कि आप उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग सोचे। उन्होंने आपको अपनी इच्छा दे रखी है, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें सोचें। आपको ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, आप चूज़ करो। आपको ये खरीदना है कि वो खरीदना है, आप चूज़ करो। तो जब भगवान का आप पे कंट्रोल नहीं है, आपके थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे एक दूसरे के थॉट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि ये मेरे जैसे सोचे? अरे मैं जो पहनती हूँ वो बिल्कुल अलग है, इसको भी ऐसा पहनना चाहिए। मैं जो पढ़ती हूँ बिल्कुल अलग है, इसको भी वही पढ़ना चाहिए। नो, आप अपनी विश बता सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल बता सकते हैं, आपकी लाइफ में जिस चीज़ से ग्रोथ हुई है वो शेयर कर सकते हैं। आप किसी को पुश नहीं कर सकते कि मेरी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए।
यस लता मैम, उस बुक की ऑडियोज अवेलेबल हैं, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। देखिए कोई एक ऑडियो में पूरी बुक एक्सप्लेन नहीं होती है, इसलिए उन्होंने 3-4 ऑडियोज बना रखी हैं और सारी ऑडियोज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की है। तो पेशेंस चाहिए पूरा, ऐसे नहीं कि बस ये एक ऑडियो चालू करिए 10 मिनट में बुक समझ में आ गई, नहीं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, इसलिए ऑडियोज बहुत लंबी लंबी हैं। ठीक है, आप किचन में कहीं पे भी काम करते वक्त उस बुक को सुन सकते हैं, लेकिन बिना काम करे अगर सुनेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये बुक्स मैंने कम से कम 2 से 3 बार सुनी है तो जाके समझ में आने लगी हैं, अदरवाइज़ ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की बुक्स हैं, इतनी हाई क्वालिटी की। चैनल नेम यस PMC हिंदी, मैं आपको जब वीडियो शेयर करूँगी तो चैनल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी, इन दोनों बुक्स की इमेजेस शेयर कर दूँगी, आप अमेज़ॉन से ख़रीद भी सकते हैं और इसकी ऑडियोज़ भी सुन सकते हैं। मैं रियली थैंकफुल हूँ उन मैम की जिन्होंने इनकी ऑडियो बनाई, अदरवाइज़ हम इंडियंस को ये बुक्स मतलब कि बहुत दूर। जो कल मैंने आपको बुक बताई अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, बताइए आप किसी फॉरेन ऑथर ने हमारी इंडिया की सीता मैया के बारे में लिखा है। अब जो बुक्स बता रही हूँ मैं सोल्स वाली, हमारे गीता वगैरह को पढ़ें अगर हम अच्छे से, यस PMC हिंदी चैनल, अगर हम गीता वगैरह को अच्छे से पढ़ें तो ये जो बुक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ये बुक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। लेकिन क्योंकि गीता थोड़ी समझ में कम आती है ना, जब तक आपको कोई समझाए नहीं समझ में कम आती है, तो इस बुक्स में थोड़ा ईजीली हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए अच्छे तरीके से लिखा गया कि कैसे आत्मा जो है वो क्या बोलते हैं, नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है, जो गीता में सब कुछ लिखा गया, आत्मा जो है वो हर बार शरीर बदलती रहती है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ओके मैं तो मर ही नहीं रही हूँ, मैं तो आज कपड़े बदल रही हूँ, मैं तो आज शरीर बदल रही हूँ, नए रिश्ते होंगे, और ये चीज़ और मज़ेदार लगेगी जब आप उसमें पढ़ेंगे कि आपको जो लग रहा है ना मेरे रिश्ते, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा एक सोल का ग्रुप है, अगली लाइफ में यही ग्रुप वापस मिलेगा आपको। हो सकता है जो दोस्त है वो कुछ और रिश्ते में बन के आए, जो फादर है वो कुछ और रिश्ते में बन के आए, यानी कि आप उन्हीं लोगों से दोबारा मिलेंगे जिनसे बिछड़ने का आपको इस जन्म में दुख हुआ। लेकिन ये सब बातें इतनी आसानी से पचती नहीं है, इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है, इसीलिए ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आप समझिए सिर्फ 1% आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ जो इन बुक में लिखा है। अगर आप इनको पढ़ पाएंगे, इनको सुन पाएंगे तो बहुत ही मतलब कि आप समझ पाएंगे कि फियर ऑफ डेथ एक्चुअली कुछ नहीं है। आप खुद देखिए, अगर मैं ये बोलूँ ये बुक है, ठीक है, मैंने इसको टच किया, मैं इसको छू सकती हूँ, अब मैं बोलूं कि इस बुक में बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं, एक लविंग एनर्जी है यहाँ पे, वो लविंग एनर्जी मैं छू सकती हूँ? नो, मैं नहीं छू सकती। वैसे ही जो फियर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली यू कांट टच फियर, आप अपने डर, जो भी डर है उसको छू नहीं सकते, वो सिर्फ आपके अंदर हमारे ही दिमाग का गेम है जिसने क्रिएट करा है, हमारे ही दिमाग ने वो सब चीज़ें हमारे अंदर ऐसे 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 करके ऊंचा पहाड़ बना दिया, जिससे अब हम उस पहाड़ पे चढ़ाई करते करते डर रहे हैं। तो वो जो फियर है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा इस बुक को पढ़ के, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 मिनट है, तो मैं आपको 5 तो नहीं लेकिन 7-8 मिनट लगेंगे, मैं आपको जो मेडिटेशन कराने वाली हूँ उस मेडिटेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए। कॉन्सेप्ट ये है, ये एक नीलम की बॉडी है, ठीक है, सपोज़ ऐसी 3-4 बॉडीज़ हैं, ठीक है, मुझे इस लाइफ टाइम में यानी कि इस बार इस सोल ने इस बॉडी को चूज़ करा, यहाँ पे इस लाइफ टाइम में इस नीलम की बहुत सारी प्लानिंग्स है, यहाँ पे इस जन्म में योगा टीचर बनना लिखा था, योगा टीचर बनी है। आप खुद को विजुअलाइज़ करेंगे कि आपकी आत्मा जो है वो अभी इस जन्म में इस बॉडी में है, अगले जन्म दूसरी बॉडी में, उससे अगले जन्म तीसरी बॉडी में,
इस चीज़ को करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मेरी सोल बाहर निकल गई, क्योंकि ऑलरेडी रोज़ रात को सपने में आपकी आत्मा निकलती है शरीर से बाहर। इसीलिए ऐसे घबराना नहीं है, डरना नहीं कि अरे मैडम हार्ट बीट तेज होगी, नहीं। अगर आप आँख बंद करके ये विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरे शरीर से मैं अलग खड़ी हूँ, एक नीलम ये बैठी है, एक नीलम सामने खड़ी है, अगर आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि वही नीलम वापस घुस गई इसमें। इसलिए डरने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे अपने सिर्फ दो जन्म विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, सिर्फ विजुअलाइज करेंगे कि ये जन्म मुझे डेथ का कोई फियर नहीं है, मैं इस जन्म में इस बॉडी में हूँ, अगले जन्म में दूसरी बॉडी में हूँ, वही सब रिश्ते, वही सब मेरे अपने, वही सब मेरे प्यारे इस जन्म में भी मेरे साथ हैं, अगले जन्म में भी मेरे साथ हैं, मैं किसी से अलग नहीं हुई, ना वो दुखी हैं ना मैं दुखी हूँ। यस, आ जाइए, जॉइन योर हैंड, सॉरी ध्यान मुद्रा लगाएंगे, फेस पे स्माइल लाएंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे। यस, हो सकता है दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो, अपने आप से कहिए कूल कूल, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इस दुनिया में जितना भी चाहो उतना ढूंढ सकते हो, जितना भी चाहो उतना पा सकते हो। ये यूनिवर्स अनलिमिटेड है, अपने आप से कहें मैं इस यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ। ध्यान दीजिए, प्लैनेट अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अगर आपने आना चूज करा है तो समझ जाइए आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आप वो सब हिम्मत रखते हैं जो नेगेटिव इमोशंस से हमें लर्निंग में मिलती है। आप में बहुत कुछ सीखने की क्षमता है। मैं जैसे स्कूल जाने से नहीं घबराती, क्योंकि मुझे पता है एक वही जगह है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वैसे ही मेरी आत्मा ने इस पृथ्वी पे आने को चूज करा है, क्योंकि वो सीखना पसंद करती है। अब ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि ये आपकी फिजिकल बॉडी है और इसमें एक सोल है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी वही है जो इस वक्त अपनी कल्पना शक्ति से इस शरीर को देख पा रही है। ऐसा सोचिए कि आपकी सोल इस बॉडी में, इस जन्म में, इस शरीर में बहुत कुछ सीखने आई है। इस जन्म के लिए आप इस शरीर के लिए थैंकफुल हैं। अपनी सोल को जैसे रात में सपने में ये कुछ समय के लिए इस शरीर से दूर चली जाती है, वैसे ही अपने शरीर से अपनी सोल को बाहर निकलता हुआ देखिए। बहुत आसान है, कुछ सेकंड में ही हो जाएगा ये, घबराइए मत, डरिए मत। आपकी सोल आपके सामने है। ऐसा सोचिए कि आप इस पृथ्वी से बाहर निकल चुके हैं, आपकी सोल इस पृथ्वी से बाहर है और अपने गॉड के साथ में, अपने उन सोल फ्रेंड्स के साथ में, अपने उस सोल ग्रुप के साथ में प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि इस जन्म में मेरी सोल ने इस बॉडी में जाके ये सब सीखा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हो कि हाँ मेरी लाइफ के ये चैलेंजेस रहे हैं और इससे मैं ये सीख रही हूँ। और अभी उसी सोल ग्रुप के साथ में सोचिए, पूरे सोल ग्रुप के साथ में बैठ के सोचिए कि जैसे ही उस बॉडी के साथ की लर्निंग ख़त्म होती है तो क्या मुझे उस बॉडी को छोड़ के नई बॉडी में जाना अच्छा लगेगा या बुरा। ध्यान दीजिए, आपके सारे दोस्त, आपके सोल फ्रेंड्स आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, आपको बधाई, सब कुछ,
एक साथ चल रहा है, क्योंकि आपने अपनी इस ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन कंप्लीट कर लिए। एक न्यू सोल बॉडी आपके लिए रेडी है, एक ऐसी बॉडी जिसमें आपकी सोल एंटर कर सकती है, एक न्यू बॉन, न्यू जॉइंट्स, न्यू मसल्स, न्यू सेल। अब ध्यान दीजिए, अगेन आप न्यू लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे हो। ये नोटिस में रख के कि मैंने इस जन्म में क्या सीखा, क्या सीखना रह गया, क्या बच गया, जो बच गया उसकी प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अगले जन्म में वो सब सीख पाओ। यस, अपने दोस्तों के साथ में हो सकता है आप पेपर पेन लेके बैठे हों, हो सकता है आप बातों में विजुअली प्लान कर रहे हो, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, इस प्लैनेट अर्थ से, पृथ्वी से बाहर बैठ के कहीं ऊपर आसमान में बादलों में बैठ के कर रहे हैं। और अब समझिए, समझिए कि मुझ में डेथ का कोई फियर नहीं है। मैं इस फियर को यहीं इसी वक्त रिलीज़ करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी अंश मात्र भी मेरे शरीर में है तो मैं इसे रिलीज़ करता हूँ। मेरा फोकस मेरी लर्निंग पे है, मेरा फोकस मेरी लाइफ को बेटर बनाने पे है, मेरा फोकस मेरे रिश्तों को सुधारने पे है। ये जितनी भी प्लानिंग आपने करी है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, इस लाइफ टाइम में ये जो ज़िंदगी मिल रखी है, ये जो बॉडी मिल रखी है, जो रिश्ते मिल रखे हैं, इस जन्म के लिए जो धन संपत्ति आपको मिल रखी है, उन सब को आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग थी। ये रिश्ते आपकी प्लानिंग थी। रिश्तों में थोड़ी खटास, थोड़ी मिठास आप लोगों ने मिल के प्लान करा था। धन की कमी, धन की अधिकता आपकी लर्निंग का पार्ट है। मुझे अपनी लाइफ पसंद है, मुझे अपने रिश्ते पसंद है। लौट आइए, सोल वर्ड से लौट आइए। आप अच्छे से जानते हैं इस जन्म के लिए आपको कौन सा शरीर मिला है। अपना खुद का नाम लीजिए, ऐसा सोचिए कि आप अपनी बॉडी में एंटर कर गए। खुद से कहिए, इस जन्म में मेरा नाम ये है, मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी बहू हूँ, इनकी बहन हूँ, इनकी दोस्त हूँ। याद कीजिए, अपने हर एक रिश्ते को याद कीजिए। हर एक रिश्ता मुझे कुछ सिखाता है। जस्ट अभी जो कुछ भी आपने सुना, जस्ट अभी जो आपने ध्यान करा, उसको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ का पार्ट समझिए। आध्यात्मिक प्रगति, हर आध्यात्मिक प्रगति का हर एक शब्द एक फिक्स समय पे मेरी ज़िंदगी में आएगा, तब जब मैं उसे समझ पाऊँगी। अगर आज के लेसन को आप समझ पाए हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए। आज के पूरे टॉपिक को समझ पाए हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आप एक दो स्टेप और ऊपर चढ़ गए हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है। अब अपने ब्रेन से सब कुछ हटा दीजिए, हर एक विचार को हटा दीजिए, बिल्कुल प्रेजेंट में लौट आइए। मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, हाँ थोड़ी बहुत उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरे पास अपना घर है, अपने लोग हैं, अपना परिवार है। मुझे भोजन, पानी, कपड़ा और कई सुविधाएं मिल रखी हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर है। अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए। एंड नाउ वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। यस, अपने दोनों हाथों के स्पर्श को महसूस कीजिए,
ओम का उच्चारण करेंगे और अपने आसपास की हर एक नेगेटिव एनर्जी को इस उच्चारण के साथ में रिलीज होता हुआ देखेंगे। डीप इनहेल, शांति शांति शांति।